भैन की बेटी है 6 साल की है। पापा जब बच्ची हुई सी उस टाइम इस भैन के पेट च दर्द होनी शुरू हुई। पापा पेट के निचले हिस्से के नलों के बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हुई। उस तो बाद पापा इस भैन को पापा जी अशुद्ध आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और पापा जी अशुद्ध आत्मा के अटैक करके इस भैन की बच्चेदानी बाहर आ जाती सी। इस भैन गंदे मंदे सुपने आते और सुपने के अशुद्ध आत्मा इस भैन गलत संबंध बनाती सी। इस तो बाद जब भैन सुबह उठते सन इस भैन के लक दे विच और पूरी बॉडी ते नील पे रहते सी। जब पापा ये भैन सुबह उठती सी जी पूरी बॉडी टूटी भजी रहती सी। ये घर दे विच पापा जी अपने काम नू ही कर पाते सी। जब भी थोड़ा काम करते सी ते बहुत ज्यादा इस भैन की बॉडी जकड़ रहती सी। इस भैन नू निकी निकी गल ते गुस्सा बहुत ज्यादा आंदा सी। ये अपने पति दे नाल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती सी। इसे करके पापा जी शुद्ध आत्मा के अटैक इस भैन बहुत ज्यादा बदने शुरू हुए। रात को इस भैन शुद्ध आत्मा जो बहुत ज्यादा तंग करती सी। जब रात को भैन सौंदी इस भैन दबाव हो जाता सी। इस भैन के नाल शुद्ध आत्मा शरीरिक संबंध बनाती सी। इस भैन की पूरी बॉडी पर पापा दर्द रहती सी। जब पापा अपने पति के नाल रिलेशन बनाने की कोशिश करती सी और पापा इस भैन गुस्सा बहुत ज्यादा आता सी। इस भैन अपने पति के नाल लड़ाई झगड़ा हो जाता सी। भैन बहुत ज्यादा मुश्किल दे विच सी। इसे करके पापा जी इस भैन ने 6 से 7 डॉक्टरों को दिखाया और पापा जिस भी डॉक्टर के कोल जाते सी और भैन वो इस भैन बोलते सन तेन मेडिसिन खानी पेगी। तेन लगातार 3 महीने लगातार 6 महीने का कोर्स भैन पूरे पूरे कोर्स भी करती सी पर दवाइया का कोई भी असर इस भैन के उत्ते नहीं हो पा रहा सी। ये भैन बहुत ज्यादा थक चुके सी, हार चुके सी। ये भैन पापा जी कई चर्चा के विच भी गए। चर्च जाके भी पापा जी इस भैन की बॉडी के विच और इस घर के विच कोई भी बदलाव नहीं सी। ये भैन की रसोई के विच भी कोई बरकत नहीं सी। और पापा जी ये 15 अगस्त जब हमदर चर्च विच फर्स्ट टाइम पापा सारगा की मीटिंग आए और पापा जब मीटिंग आए और पापा उस टाइम भी पापा मीटिंग दे के इस भैन बहुत वधिया लग्या। और पापा 22 अगस्त जब इस भैन के पापा लिए प्रार्थना हुई जो अनाउंटिंग उस पापा चादर के प्रेयर हुई ये भैन अगे आई। उस टाइम पापा जी इस भैन ने अपने पेट से हाथ रखा और पापा जी जब अनाउंटिंग उस चादर का पला इस भैन के उपर लगाया उस टाइम इस भैन की बॉडी के और पेट के जिदा कुछ पकड़िया रहा किसी ने पकड़िया सी इदा लगा जा छुट गया। उस तो बाद इस भैन की पेट जो ऐसा कुछ निकल के गया। उसके बाद इस भैन ने अपने आप चेक किया उस टाइम अपने आप इस भैन ने हल्का महसूस किया। उस तो बाद पापा जी ने पूरा 1 हफ्ता चेक करके आए ने। उस दिन तो बाद पापा जी कोई बच्चेदानी बाहर नहीं, कोई भी घर के लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने पति के नाल प्रेम के नाल रहिंदे ने। और पापा जी कोई भैन की बॉडी च थकावट नहीं। इस भैन की रसोई के विच पापा ने बरकत है। ये पापा जी दस रही है कि मेरी रसोई के विच जब मैं पहला कोई भी समान लगा दूजी और लिया मैं पैसे पापा प्रॉब्लम आती। हम पापा 1 हफ्ते तो इस भैन की रसोई बिल्कुल ब्लैस है और पापा जी भैन भी बिल्कुल ब्लैस है। अपने आप 1 हफ्ता चेक करके आने कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं पापा जी इस भैन से ताड़ी बजाई परमेश्वर। ओके आप भी अगे आए सी चादर छून दे ली पापा और के जो इस जगह दे पुल पेट ते चादर रखी सी। हाँ जी। और वो चादर आपने अपने पेट दो ते लगाई। हाँ जी पापा। और की होया चादर लगाउन तो बाद पापा जी मैनू इदां है कि जिस तरह मेरे पेट चो कुछ निकलिया वा। ओके आपनू महसूस होया कि जिदां कोई तुहाडे पेट चो निकल के गया है। हाँ जी पापा जी। और उस टाइम अपने आप नू तुसी चेक कीता। हाँ जी। और तुसी अपने आप नू एक वधिया सेहत हल्का महसूस कीता पापा जी। हल्का महसूस कीता। हाँ जी। और हुण आप हफ्ता चेक करके आयो। हाँ जी पापा जी मैं जदों भी चर्च विच जानी सी मेरे घर विच बरकत नहीं सी हुंदी वी ते हुण उस दिन तो मेरे घर विच बहुत ही ज्यादा खुदा ने बरकत मैनू दित्ती है। ओके 1 हफ्ते तो आप अपनी लाइफ जो चेंज हुई है जो तुहाडा जीवन चेंज होया है। हाँ जी पापा जी। ओनू तुसी पूरा हफ्ता चेक करके आयो अपने आप। हाँ जी पापा जी। हुण कोई बच्चेदानी बाहर नहीं आती। नहीं पापा जी। ओके आपने गवाही दे विच लिखिया कि आपकी बेटी जो 6 साल दी हो चुकी है। हाँ जी। तद तो जो बेबी बेटी हुई उस तो बाद प्रॉब शुरू हुई। हाँ जी पापा जी। और 6 साल इदा चल रहा डॉक्टर मेडिसन। हाँ जी बहुत मैं थक गई पापा जी। और इस तो पहले आप कितने चर्च जाते? 3-4 चर्च बदले पापा जी। ओके 3-4 चर्च बदले आपने। हाँ जी। लेकिन कोई भी आराम नहीं? नहीं पापा जी। मैं तेन हाथ तो नहीं लगाया? नहीं पापा जी। मैं तेन मिलिया भी नहीं, कोई तेरे नाल गलबात नहीं? नहीं। सिर्फ अगे आ रहे सी जिदा लोग आ रहे सी चादर नू छून दे लई ओदा ही आप लाइन सर आ रहे सी। हाँ जी। और जदों आप दी वारी आई आपने चादर नू छूया। हाँ जी। वो चादर वो पुलपिट ते रखो चादर। वो चादर जदों पुलपिट ते रखी। हाँ जी। अद्धी भरावां वाले बने लमकर रही सी, अद्धी भैणां वाले लमकर रही। हाँ जी। सी पापा जी। और तुसी अपनी प्रॉब्लम ते लगाया। हाँ जी। उस वेले आपका पेट फ्री। हाँ जी। और आप जी जो बच्चेदानी बाहर रहिंदी सी आपके पेट के हिस्से चो वो एकदम तां छड़ गई अपने आप। हाँ जी पापा जी।
सुनो हुण इहदी लाइफ चेंज होई है कि इहदा धर्म चेंज होया। बोलो यीशु मसीह ने इहनू चंगा कीता है, इहने आ के वचन सुने, वचन सुन तो बाद इहने प्रेर नू रिसीव कीता, अरदास नू तुहाडी भाषा च अरदास नू रिसीव कीता है, ग्रहण कीता है, हुण इहदी लाइफ चेंज होई है, ना कि इहदा नां, ना इहदा धर्म, ना इहदी जात। तो बाइबल च लिखिया यीशु मसीह धर्म जात बदलने लई नहीं आए, कोई नवा धर्म बनाने लई नहीं आंदे, सिर्फ वो लोगों की लाइफ के काम करने लिए, सुधार करने लिए आते हैं। हालेलुया। हुण पूरा हफ्ता अपने आप चेक करके आए, हुण कोई भी काम करते हैं कोई थकावट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, नहीं कोई पापा नहीं। जो मैं माड़ा जो भी काम एक कर लेनी सा मैं लम्बे पै जानी नहीं सी। ओके, जो इस तो पहले आप कोई भी काम करते सी? हाँ जी। की कहना चाहते इस चर्च के बारे? और बहुत सारे लोग शायद अजे भी कुछ लोगों के जीवन च प्रभु ने काम करना है कि क्योंकि तुसी ऑलरेडी चर्चा दे विच जा चुके हो, तुहाडा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कित्थे की हो रहा, कित्थे की हो रहा, की दसना चाहते हो? शायद इत्थे बहुत सारे लोग बीमार दुखी लाचार होणगे, कि ओ चंगा हो सकदे इत्थे, किदां की उहनां नूं की सुझाव देना चाहते हो? पापा जी मैं तो यही कहनी कि विश्वास दे नाल सब कुछ ठीक हो जांदा। यस, योर सिटाड़ी बजाइए परमेश्वर दे। और अब 6 साल तो ही चर्च बदल रहे हो, डॉक्टर बदल रहे हो, मेडिसिन बदल रहे हो, कोई हल नहीं हो रहा। नहीं पापा जी, और सिर्फ चादर में छोया दियो चादर, मैं एक तेन प्रैक्टिकल करना गवाही स्टॉक करना। आप मेनू मतलब दिली कदी गल कोई बात नहीं, क्योंकि आप सब नु पता मैं किसी नू मिलदा, और आप किसी की गवाही नू सुन के इत्थे आए कि प्रभु चंगा करदा है। हां जी पापा। आप विश्वास दे नाल आए। हां जी। आप 15 दी मीटिंग दे लई भी आए सी? हां जी आए सी, क्योंकि वो मीटिंग ने लोगों का विश्वास बनाया पहाड़ की तरह यीशु मसीह के नाम दे विच। और यीशु मसीह ने की कहा सी? कहिंदा जो रेत ते बनाएगा वह टिक नहीं सकता, पर जिहड़ा पहाड़ ते बनिया वह सदा दे लई की कर जाएगा, क्योंकि वह मीटिंग दे विच सी। प्रभु ने मैनू दस्या है, प्रभु ने मैनू दस्या कि वह मीटिंग दे विच मैं तुहाडा पहाड़ बनाया। पहाड़ का मतलब तुहाडे अंदर विश्वास की एक उचाई बना दी है, क्योंकि जो एक विश्वास की उचाई बन जाती है खुदा दे कोलों तुसीं कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। हुण अगर यही लेडीज उस 15 तारीख की मीटिंग दे विच ना आती, मैनू ओ कम्मां नू ना देखदी जो इस चादर दे द्वारा कन्ना दी अखां दी आपां लगातार गवाहियां जे सुनदे रहना साल तुसीं दे नाम दे विच, तो मैनू लगदा चर्च नू खुल्लेआम पता है कि बारिश होवे, नेरी आवे, तूफान आवे, चर्च लगनी है तो लगनी। ओके, हुण तुहाडे पति दे नाल तुहाडे रिलेशन भी ठीक ने? हां जी पापा। घर दे विच बरकत भी आउणी शुरू हो गई है? हां जी। तुहाडा जीवन भी बदल गया? हां जी पापा। आप अड़े ते खड़े रहो, प्रभु तुहाडी लाइफ च और भी वड्डे कम्मां नूं करेगा। योर से तुहाडी बजो नेक्स्ट गवाही दे।